हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेज बाय पेज हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में एनसीईआरटी जी क्या क्या कह रहे हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या है, पिछली वीडियोस में क्या देखा हम लोगों ने, हम लोग आपको मैं बता देता हूँ क्या देखा है। देखो, पिछली वीडियोस में हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखी कि तीन साइड से हम लोगों ने क्लास सेवेंथ में क्या किया था, देखा था कि ट्रायंगल कैसे यूनिकली बनाया जा सकता है। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में ये भी देखा प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था पहली वीडियोस में, तो इतना सब कुछ मैंने बताया। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हमने देखा था प्रोटेक्टर को कैसे यूज करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने देखी थी। और सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों, कि एंगल्स जैसे 90, 45, 30, 120, ठीक है, 180, 60 डिग्री, इन सारे एंगल्स को कैसे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, ये सब हमने अच्छे से देखा। हमने देखा मतलब हम लोगों ने कॉपी पेंसिल से भी, हम लोगों ने पेन पेंसिल कॉपी पूरा सब कुछ लगा के, प्रोटेक्टर स्केल सब कुछ लगा के A4 शीट पे बना के देखा बहुत ही अच्छे तरीके से, किस किस तरीके की गलती होती है ये भी मैंने बताया, उनको कैसे सुधार सकते हो ये भी उस वक्त हमने बताया था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, NCERT हम लोग अब यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी में किस तरीके से हम लोग को समझाया जा रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में। हमने अभी तक सिर्फ बेसिक कवर किया है, अब जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल्स को यूनिकली कैसे बनाया जाता है। यूनिकली का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर यूनिकली का मतलब क्या होता है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब अभी हम जा रहे हैं, आपको पढ़ाने ही जा रहे हैं, कुछ समय और वेट कर लो। यूनिकली का मतलब बहुत ही अच्छे से आपको फील आ जाएगा, एनसीईआरटी में भी इसका फील बहुत अच्छे से दिया है, वही मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अच्छे से हमें बताइएगा, तो हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी बुक स्टार्ट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। आप क्या करिए, अपने पास अपनी एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये सब देख सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके तो थे, ठीक है, पिछली वीडियोज में। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब करने वाला हूँ, ठीक, हाउ टू मेजर द एंगल। तो ये सब हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। तो इसको मैं जल्दी जल्दी रब कर देता हूँ। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ अपना ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक। चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया। तो आप क्या करो, पेज नंबर खोल लो, पेज नंबर 57 खोल लो, ठीक है। तो उसमें चैप्टर 4 लिखा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में किस तरीके से एनसीईआरटी हमें सिखा रही है। तो देखो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन में ही लिखा है यू हैव लर्न्ड हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल्स इन क्लास सेवेंथ। तो हम लोगों ने यही चीजें सबसे पहली वीडियो में देखी थी कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। तो क्लास सेवेंथ का जिससे थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए क्या क्या हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे ही बता दिया है कि क्लास सेवेंथ में आपने पढ़ रखा होगा कि ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। वी रिक्वायर 3 मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल। तो ये कह रहा है क्या, आपको 3 मेजरमेंट चाहिए होती थी साइड या फिर एंगल की, और एंगल की चाहिए होती थी टू ड्रॉ अ यूनिक ट्रायंगल। इसको अंडरलाइन कर लेना, किसी यूनिक ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा यूनिक का मतलब क्या होता है। सिंस 3 मेजरमेंट वर इनफ टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, अ नेचुरल क्वेश्चन अराइज वेदर 4 मेजरमेंट वुड बी सफिशिएंट टू ड्रॉ यूनिक ट्रायंगल, यूनिक टू ड्रॉ यूनिक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर नेम लिया क्वाड्रिलेटर। इसका कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, इसका मैं बता चुका हूँ कि हमने क्लास सेवेंथ में पढ़ के रखा था कि ट्रायंगल बनाने के लिए क्या, ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, 3 साइड चाहिए होती है, हमको क्या चाहिए होती है, 3 साइड चाहिए होती है। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल को यूनिकली बनाने के लिए यूनिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू यूनिकली अगर हमें बनाना है, यूनिक बना रहे, यूनिकली की स्पेलिंग देख लो कैसे लिख रहा हूँ, UQNUQNICKLY यही होती है क्या, अरे लाओ मैं आपको दिखाई देता हूँ, अच्छे से लिखते थे ना, तो फिर देखो अब आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि मुझे यूनिकली की स्पेलिंग नहीं आती, यू यू क्यू कहाँ गया,
यू क्यों, अरे धत तेरी की, यू एन आई, देख रहे हो दिमाग, देख रहे हो कहाँ चल रहा है, देख रहे हो प्यारे बच्चे, इसलिए थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि बज रहे हैं क्या, रात के 4 बज रहे हैं और मैं 2-3 वीडियो बना भी चुका हूँ और अब नींद आ रही थी तो सोचा चलो एक वीडियो और बना देता हूँ और फिर स्टार्ट करेंगे सोना। बट क्या हो गया कि मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, है तो फिर रह जाएंगे, ठीक है। तो 4:09 हो रहा है, अभी भी हम लोग वीडियो ही बना रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यकीन नहीं होगा। ये देखो बनाए जा रहे हैं वीडियो और बता रहे हैं, देखो मैं टाइप कर रहा हूँ गूगल पे करंट टाइम, ठीक है। तो करंट टाइम करके मैंने सर्च किया तो देख सकते हो प्यारे बच्चों कितना बज रहा है, ध्यान से देख सकते हो 4:20 हो रहा है, ठीक है 4:20 हो रहा है, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखो कि ट्रेंगल क्या है। ट्रेंगल को यूनिकली बनाने के लिए क्या आता है, यूनिकली, एन आई यूनिक, यही होती है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे ये देखो देखने के बावजूद भी क्या करते हैं, गलत गलत लिखते हैं भाई साहब, ठीक है चलो देख लेते हैं। हाँ यूनिक की स्पेलिंग सही लिखा है, अब हमने सही लिखा है मान लेते हैं, चलो अपनी गलती, ठीक है। ट्रायंगल को यूनिक बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती थी, 3 मेजरमेंट मतलब अगर हमें 3 साइड दिया है, 3 साइड दिया गया है ट्रायंगल की, 3 साइड दी गई है तो हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल को यूनिकली बना देते थे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले देता हूँ, अगर मुझे ऐसे 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 कोई ट्रायंगल बनाना है तो अगर मुझे 3 साइड दी गई, मान लेते हैं ये 3 दिया गया, ये 6 दिया गया, ये 5 दिया गया, तो ये क्या है, एक यूनिकली ट्रायंगल हम लोग मेजर करके कंपास से, स्केल से, पेंसिल से बना सकते हैं यूनिकली, ठीक है, यूनिकली हम लोग बना सकते हैं, यूनिक ट्रायंगल बना सकते हैं। बट यही बात करते हैं अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 4, लेटरल का मतलब क्या होता है साइड, तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है। तो क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली बनाने के लिए, यूनिकली बनाने के लिए हमें कितने मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या बना रहे बता रहे, नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी चाहिए होगी, मेजरमेंट। तो ऊपर से तो देख के लगता है कि यहां 3 साइड का है तो हमें कितनी चाहिए यूनिकली बनाने के लिए, 3 साइड मतलब 3 मेजरमेंट चाहिए, और यूनिकली के लिए 4 साइड वाला अगर क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो हमको कितना चाहिए, 4 मेजरमेंट, क्या चाहिए, 4 मेजरमेंट हमको चाहिए। तो ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये रॉन्ग है, हमें नहीं ऐसा नहीं, इससे नहीं होगा, हमें यूनिकली बनाने के लिए प्यारे बच्चों 5 मेजरमेंट चाहिए होती है, और वो भी क्या होने, बहुत ही अच्छे तरीके से चाहिए होती है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी 5 मेजरमेंट दे दी और बन जाएगा, ऐसा नहीं, बताएंगे कंडीशन, बताएंगे किस किस तरीके से क्या क्या चीजें दी रहेंगी तब हम लोग यूनिकली बना सकते हैं। तो 5 मेजरमेंट हम लोग को प्यारे बच्चों, ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन है ये कि 5 हमें क्या होनी चाहिए, 5 मेजरमेंट हमें दी जानी चाहिए, चाहे वो एंगल हो, साइड हो एंगल हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हमको दिया गया है डायगनल हो, ठीक, अगर दिया गया है 5 मेजरमेंट हमें दी गई है इन सब चीजों की, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिकली बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सब हम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने बच्चों, देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी में यूनिकली क्वाड्रिलेटरल को किस तरीके से बताया गया है, ठीक है, और यही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली वाला समझ जाओ कि यूनिकली का मतलब क्या है, तो ट्रायंगल का यूनिकनेस जो आप बता रहे हो ना वो भी समझ जाओगे। कहने का मतलब ये क्या है प्यारे बच्चों कि अगर ट्रायंगल, अगर ये देखो 3 साइड, 3 साइड, 6 साइड और 5 साइड से अगर एक ट्रायंगल ये बना है और इसी साइडों से मिलके अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके का बन रहा है, मतलब एरिया चेंज हो रहा है, मतलब ये भी 6 है, ये भी 3 और ये है 5, अगर इस तरीके से बन रहा है तो ये यूनिकली नहीं है क्योंकि इसकी एरिया कुछ और आ रही है, इसकी एरिया कुछ और आ रही है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या, एरिया से रिलेटेड नहीं, ये एरिया वाली बात नहीं हो रही है, कहने का मतलब है अगर शेप चेंज हो जाए, इसका शेप अलग आए, ठीक है, अगर इस तरीके से बन जा रहा है
तो क्या मैंने क्या किया था पिछली वीडियोस में, मैंने कहा कहीं शायद एरिया के बारे में बता दिया था, एरिया नहीं मतलब एरिया भी तो चेंज ही होगा ना, अगर शेप चेंज हो जाए तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है कि किसी किसी कंडीशन में नहीं होता, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करे, अपने शेप को चेंज ना करे, अगर नहीं कर रहा है अपने शेप को तो ये यूनिकली ही रहेगा, तो अगर चेंज कर दे रहा है तो अनयूनिक हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो यूनिक ही रहेगा, मतलब वो ऐसे ही बना रहेगा। तो इतना समझ में आ रहा, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे क्वाड्रिलेटरल अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है, अपने शेप को चेंज कर लेता है जब क्या हो, जब हमको प्यारे बच्चों चार दिया रहे, बट अगर पांच मेजरमेंट दे देते हैं हमें तो ये क्या हो जाता है, यूनिक बन जाता है। ट्रेंगल के केस में ऐसा नहीं है, ट्रेंगल में तीन मेजरमेंट दोगे तो बन जाएगा, ठीक। चलो दिखाते हैं कैसे, बहुत ज्यादा हमने बता दिया आपको, ठीक। चलो अब देखते हैं ऐसा एनसीईआरटी ने क्या बताया, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, चलो दिखाते हैं आपको, पढ़ाते हैं। चलो आप अब क्या करो, अपनी बुक खोल लो। तो इन्होंने लिखा है, देखो तीसरी लाइन पे लिखा है, सिंस थ्री मेजरमेंट वर इनफ टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। कह रहे हैं कि क्लास सेवेंथ में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों को अगर तीन मेजरमेंट दिया हो तो ये इनफ है एक यूनिक ट्रेंगल बनाने के लिए, ठीक है, इनफ टू ड्रॉ ट्रेंगल, ट्रेंगल बनाने के लिए। अननेचुरल क्वेश्चन अराइजेस, कह रहे हैं एक साधारण सा हमारे क्वेश्चन दिमाग में आता है, वेदर फोर मेजरमेंट वर वुड बी सफिशिएंट टू ड्रॉ यूनिक फोर साइड क्लोज्ड फिगर नेमली अ क्वाड्रिलेटरल। तो कह रहे हैं हमारे दिमाग में इसी को पढ़ के एक साधारण सा क्वेश्चन आता है कि क्या क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए फोर साइड इनफ होगी, जैसे तीन साइड ट्रेंगल में होती थी इनफ, ट्रेंगल में क्या होती तीन साइड होती थी, तो वहां पे तीन साइड दिया तो तीन मेजरमेंट ही चाहिए होती थी। अब बताओ क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड दिए तो फोर मेजरमेंट इनफ होगी, ऐसा इनका कहना है क्वेश्चन, मतलब नेचुरल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ये कह रहे हैं, हाँ और आएगा भी ऑब्वियस बात है। तो मैंने तो आपको बता दिया फोर नहीं इनफ होता है, हमें क्या चाहिए होता है पांच। अब यहाँ पे डू दिस जो है, डू दिस इसीलिए मैं सब कुछ कराता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि डू दिस क्या करे, आपको फील दे अच्छे से जो जो चीजें आप करोगे, ठीक है। तो डू दिस में क्या कहा है, अब ध्यान से सुनना, डू दिस में क्या कह रहा है, कह रहा है टेक अ पेयर ऑफ अ स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ से 10 सेंटीमीटर, टेक अनदर पेयर ऑफ अ स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ से 8 सेंटीमीटर, हिंज देम अप सुटेबली टू गेट अ रेक्टेंगल ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कह रहा क्या है, आप 8 सेंटीमीटर का स्टिक, मतलब क्या होता है, डंडी होता है, तो ये क्या कह रहे हैं आप क्या करो, ये भाई साहब कह रहे हैं पहला देखो, फर्स्ट फिगर देखो, कह रहे हैं एक क्या करो आप 10 सेंटीमीटर का यूं एक ले लो और एक यूं से 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लो, क्या डंडी ले लो, ऐसे ऐसे रख लो, डंडी कह रहे हैं, डंडी डालने के स्टिक, और एक क्या करो 8 सेंटीमीटर की ले लो, एक 8 सेंटीमीटर की ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जा रही, गलत बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, थोड़ा सा गलत बन जा रहा है, तो इसको गलत नहीं बनाना है, हमें अच्छा सा फिगर बनाना है। तो अच्छे से फिगर के लिए यूं ड्रॉ किया, यूं ड्रॉ किया, यूं ड्रॉ किया, यूं ड्रॉ किया, तो ये मैं मान लेता हूँ कुछ क्या है, ये है हमारा क्या 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये भी भाई साहब क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो इतना इन्होंने कहा, आप बनाइए तो पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया है कि हमारे पास स्टिक है, तो ये स्टिक, स्टिक मतलब क्या है, डंडी। तो इस तरीके से मैंने इस फिगर को बनाया, तो इन्होंने कहा टेक अ पेयर ऑफ स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ, तो हमने क्या किया इक्वल लेंथ की हमने स्टिक ली, ये और ये, और इसको नाम देते हैं क्या, ये दे देते हैं बी, ये देते हैं सी, ये देते हैं डी, और ये दे देते हैं ए, ठीक है। तो इस तरीके से नामकरण भी कर दिया, ठीक है। तो हमने यूनिकली क्या की 10 सेंटीमीटर की एक पेयर ले ली, फिर टेक पेयर ऑफ अ स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ से 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का भी हमने ले लिया, फिर कह रहा है क्या हिंज देम अप, तो इस तरीके से हमने क्या क्या अरेंज कर दिया, इनको हिंज कर दिया, फिर टू गेट आर रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बना दिया रेक्टेंगल भाई साहब। अब कह रहा है दिस रेक्टेंगल हैज बीन क्रिएटेड विद अ फोर अवेलेबल मेजरमेंट, कह रहे हैं ये रेक्टेंगल जो भाई साहब बने हैं, यहां पे क्या बने हैं हमारे पास रेक्टेंगल भाई साहब बने हैं रेक्टेंगल, और ये क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ अगर फोर मेजरमेंट दी रहती क्या किया जाता, और ये क्या है हमारे पास फोर ही तो मेजरमेंट दी थी, क्या दिया गया था फोर मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट ही तो दिया था, हाँ कि ना, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो इससे क्या क्या मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब
अब आपने कहा था तो फोर मेजरमेंट से तो नहीं बनता यूनिकली, रेक्टेंगल तो यूनिक होता है, ठीक है। तो अभी तो इंटरेस्टिंग बात बाकी है, देखते रहो। तो ये हो गई क्या, रेक्टेंगल बन गया हमारा यहाँ पे। बट देखो प्यारे बच्चों, इसी फोर साइड से, इसी फोर मेजरमेंट से, इसी फोर मेजरमेंट से एक और फिगर बनने वाला है, ध्यान से देखना। ये वन था और इधर बनेगा सेकंड, कैसे अभी दिखाते हैं। नीचे पढ़ो, कह रहा है नाउ जस्ट पुश अलोंग द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द न्यू शेप ऑब्टेन स्टिल अ रेक्टेंगल फिगर 4.2। ऑब्जर्व दैट द रेक्टेंगल हैज नाउ बिकम अ पैरेललोग्राम। हैव यू अल्टरड, मतलब होता है चेंज, हैव यू चेंज द लेंथ ऑफ द स्टिक। तो आंसर इसमें दिया हुआ है नो, द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स रिमेन्स द सेम। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का, इतनी लाइन का मतलब क्या है, कुछ नहीं प्यारे बच्चों। कह रहे हैं कि ये जो BC है, इस BC को क्या करो, आप यहां पे पकड़े और इसको धक्का दिए, आप हल्क बन जाओ, युमंगा सोर बन जाओ, बहुत ताकतवर इंसान बन जाओ, और फिर क्या करो, इसको धक्का दो, इधर धक्का दो। तो जब प्यारे बच्चों इसको धक्का दोगे आप, तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ चार, क्या थी आपके पास, सिर्फ चार मेजरमेंट थी, तो इसी वजह से ये यूनिक नहीं है। तो किस तरीके से ये चेंज होगा देखना, भी दिखाते हैं किस तरीके से ये चेंज होगा। देखो ये मैं दिखा देता हूं, इधर दिखा देता हूं आपको, फोर मेजरमेंट की वजह से क्या होगा, ये यूनिक, ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, इसमें से, देखना कैसे क्या होगा। पर जब आप इसे यहां से धक्का दोगे, इधर धक्का दोगे, तो क्या होगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ऐसे, एक ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, ये भी 8 सेंटीमीटर बनेगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, और ये ए, अरे यार इसको है ए बी सी डी, मैंने ऐसे मान लिया, ए बी सी डी मैंने ऐसे मान लिया। क्या बुक में ए बी सी डी ऐसे ही दिया है कि नहीं, देख लेते हैं। तो इसमें दिया है ABCD, हाँ ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके में देख रहा हूं ना प्यारे बच्चों, पहले ऐसा शेप था, अब ऐसे बन गया है, चार साइड दी गई है, बट देख रहे हो ना शेप, फिगर देख रहे हो ना किस तरीके से चेंज कर गया, चार ही साइड दी गई है, इधर भी चार साइड हमें दिया गया था और इधर भी चार साइड से ही ये वाली फिगर मिल गई। और ये जो फिगर बन रही है प्यारे बच्चों, ये पैरेललोग्राम बन रही है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं पता है देख लो, बहुत काम आएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या कह रहे हैं, देखो ये हो गया ना, यूनिकनेस खत्म हो रही है कि नहीं, धीरे धीरे। यूनिक का मतलब है जो जैसा बना हुआ है वो वैसा ही बना रहेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है, नहीं हटेगा, हिला लो, डुला लो, धक्का दे दो, कुछ नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तीसरे पैरा में कह रहे हैं, गिव अनदर पुश टू द न्यूली ऑब्टेन शेप इन डिफरेंट डायरेक्शन, व्हाट डू यू गेट, यू अगेन गेट अ पैरेललोग्राम व्हिच इज अनदर डिफरेंट फिगर 4.3, येट द फोर मेजरमेंट रिमेन द सेम, येट द फोर मेजरमेंट रिमेन द सेम। क्या कह रहा है, येट द फोर मेजरमेंट रिमेन द सेम, येट द फोर मेजरमेंट रिमेन द सेम। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पे फोर मेजरमेंट वही है, यहां पे भी फोर मेजरमेंट वही है, आपने इधर से धक्का दिया, येट द फोर मेजरमेंट सेम, सारी मेजरमेंट सेम ही है। क्या 10 9 बन गया, नहीं। क्या 8 10 बन गया, नहीं। क्या ये वाला 10 6 बन गया, नहीं। क्या ये 8 9 बन गया, नहीं। सारे के सारे क्या है, सेम है, जितने थे उतने ही है, येट द सेम मेजरमेंट रिमेन सेम, अभी भी क्या है, सारे के सारे मेजरमेंट वही है, चार मेजरमेंट दिया था, चार मेजरमेंट से यही बन रहा है। अब इन्होंने कहा तीसरे वाले पैरा में, क्या कहा तीसरे वाले में पैरा में कहा है उन्होंने, यही चीज बोली है इन्होंने, क्या कही है प्यारे बच्चों, क्या आप करिए यहां से, पहले आप इधर से पुश कर रहे थे तगड़े तगड़े बन के, ठीक, अब क्या करिए आप इधर से पुश करिए, क्या करिए इधर से पुश करिए। तो जब आप इधर से पुश करेंगे, ये पुश किया, क्या कि ये पुश किया, तो क्या रे बच्चों, जो हमें नया फिगर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, देखना किस तरीके का मिलेगा, कुछ इस तरीके का हमें एक फिगर मिलेगा, और ये भी फिगर क्या होगा, ए
बी सी और ये डी मिलेगा। तो ये भी क्या मिल रहा है मुझे, एक अलग तरीके का फिगर मिल रहा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको भी पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। और ये भी क्या हुआ, कुछ नहीं, ये वाला अभी भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये क्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो देख रहा ना प्यारे बच्चों, चार साइड में देखने के बाद हमें इससे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, इस तरीके का पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इस तरीके का पैरेललोग्राम बना सकते हैं। चार मेजरमेंट दिए, देखना, देख रहे हो ना, अलग अलग फिगर हम लोग बना पा रहे हैं चार ही मेजरमेंट से। तो ये यूनिक कैसे हुआ? तो इसीलिए कहा गया है प्यारे बच्चों, चार मेजरमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिक फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते। इसी तरीके से तीन मेजरमेंट से हम लोग ट्रायंगल को यूनिकली बना सकते हैं। यूनिकली का मतलब समझे, कैसे यूनिक, ये सब यूनिक नहीं है क्योंकि चार मेजरमेंट दिए और हम लोग बना क्या रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को क्या मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे देखो, क्वाड्रिलेटरल जो कि क्या होता है, फोर साइडेड होता है, फोर साइडेड जो होता है, इसको यूनिकली कैसे बना सकते हो, अगर आपको फाइव मेजरमेंट दी रहे, हाँ कि ना, फाइव मेजरमेंट दी रहे, और ये फाइव मेजरमेंट की कंडीशन होती है, बताएंगे अच्छे से किस तरीके से दिया रहना चाहिए तभी आप बना सकते हो, बताएंगे। तो ये चीजें हो गई हमारी अनयूनिकली, मतलब क्या है, ये यूनिक नहीं है, ये स्टेप हुआ बताने का आपका तरीका। अब देखते हैं यूनिकली कैसे बनाओगे। चौथे में क्या बताया है, ध्यान से देखते हैं, चौथे में क्या बताए हैं हमको, ध्यान से देखते हैं, बहुत जरूरी है समझना। तो ये हो गया हमारा ये चीज। अब कह रहा है, दिस शोज दैट द फोर मेजरमेंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट डिटरमाइन इट्स यूनिकनेस यूनिकली, कैन फाइव मेजरमेंट डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, लेट अस गो बैक टू द एक्टिविटी। कह रहा है अब हम लोग देख ही सकते हैं कि चार मेजरमेंट क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली नहीं बना सकता है भाई, सब सही बात है। तो क्या क्या कह रहा है, कैन क्या पांच मेजरमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली? तो इसके आगे कह रहा है क्या बना सकते हैं, ये तो इनका क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं लेट अस गो बैक टू द एक्टिविटी, कह रहा है चलो अब हम लोग अपनी एक्टिविटी जो कर रहे थे चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि इसके बाद कहा है, इन्होंने क्या कहा है करने के लिए, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ रेक्टेंगल विद द टू स्टिक ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, अदर टू स्टिक ईच ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, नाउ इंट्रोड्यूस अनदर, ये वाली लाइन ट्रिक करो, नाउ इंट्रोड्यूस अनदर स्टिक ऑफ लेंथ इक्वल टू बी डी एंड टाई इट इक्वल टू बी डी एंड टाई इट अलोंग बी डी, इफ यू पुश द ब्रेथ अलोंग दस नाउ अलोंग गैट पुश द ब्रेथ नाउ डज द शेप चेंज, तो आंसर इज नो, इसमें लिखा है इट कैन नॉट विदाउट मेकिंग द फिगर ओपन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिफ्थ स्टिक हैज फिक्स्ड द रेक्टेंगल यूनिकली, देयर इज नो अनदर यूनिकली विद देयर इज नो अनदर क्वाड्रिलेटरल विद अ गिवन लेंथ ऑफ साइड्स पॉसिबल नाउ। कहने का मतलब इनका क्या है, का कह रहे हैं इतने पूरे पैराग्राफ में, देखो कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपने यू हैव आपने क्या किया था कि 10 सेंटीमीटर का, लाओ मैं एक एक करके पढ़ा देता हूं, लाइन ही पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ रेक्टेंगल विद द टू स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द टू स्टिक ऑफ ईच लेंथ 8 सेंटीमीटर। कह रहे हैं आपने क्या किया था, रेक्टेंगल बनाया था ना 10 सेंटीमीटर का, दो एक ये बनाया था, 8 सेंटीमीटर का एक ये बनाया था, और इससे आपने क्या बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, हाँ कि ना। इन्होंने इतना यहाँ पे बना बताया, कह रहे हैं अब क्या करिए आप, एक इंट्रोड्यूस कर दीजिए बी डी। अब यहां पे कहीं BD है, हाँ ये B और D है, तो कह रहे हैं इसी लेंथ की आप एक लाइन BD इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो उससे एक फिगर बनेगा, फिगर फोर, ये देखो फिगर फोर मैं बनाता हूं। तो ये कुछ मैंने रेक्टेंगल बनाया था यू, तो यहां पे हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, कह रहे हैं एक कोई BD आप बना दीजिए, अरे ये तो उल्टी बन गई, हाँ कि ना, कह रहे हैं कि कोई, अरे अरे यार बन जा बाबू बन जा, आहा मान लेते हैं बीडी ऐसे बन गया, नहीं मानेंगे नहीं बनाएंगे, बन जा, ये क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा है मम्मे, बन गया, हाँ चलो बन गया,
मान लेते हैं बना दिए, ठीक समझ में आ कि नहीं, बीडी बन गया। अब क्या है, क्या कह क्या रहा है, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बीडी आप बना दीजिए, क्या करिए एक बीडी बनाएंगे आप इक्वल टू द लेंथ ऑफ बीडी, कह रहा है आप बीडी बनाइए एंड टाई इट अलोंग बीडी, आप जो लेंथ बीडी बनाएंगे इसको क्या करिए टाई कर दीजिए यहां, तो टाई का मतलब क्या कुछ नहीं, यहां पे एक बीडी लेंथ क्या करिए आप बना दीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये जो बीडी लेंथ एक्स्ट्रा एक लेंथ आपको मिल गई ना एक और, मतलब 5 मेजरमेंट हो गया यहां पे, यहां सब क्या हो रहा था, यहां पे भी 4 मेजरमेंट दिया जा रहा था आपको, तीसरे वाले पे क्या हो रहा था आपको 4 मेजरमेंट मिल रहा था, यहां पे भी हाँ कि ना, यहां पे भी आपको क्या हो रहा था 4 मेजरमेंट मिल रहा था, हाँ कि ना, और यहां पे तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पे भी आपको क्या हो था 4 मेजरमेंट मिल रहा था, यहां पे भी पहले दूसरे से तीसरे, और यहां पे पांचवे वाले पे चौथे वाले पे क्या हुआ 5 मेजरमेंट मिल गया आपको, मेजरमेंट मिल गया, क्या बढ़ाया है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या आपने निकाला है यहां पे बी डी आपने इंट्रोड्यूस किया है, बी डी इंट्रोड्यूस किया है आपने, बीडी इंट्रोड्यूस किया, इस बीडी की वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये देखो ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, और यहां पे आपने एक बीडी कोई लेंथ की थी मुझे नहीं पता अभी, ठीक है इसमें दिया भी नहीं है ना, हाँ नहीं दिया है, कह रहा आप एक बीडी बना दीजिए, ठीक है, और ये जो बीडी होगी पांचवी मेजरमेंट होगी, ये क्या करेगी इस क्वाड्रिलेटरल को, ये क्या करेगी इस क्वाड्रिलेटरल को यूनिक बना देगी, इनका ऐसा कहने का मतलब है, ये बता भी रहे क्योंकि इन सबने बहुत 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 बार देखा है, ठीक है किस किस तरीके से बनता है क्या नहीं, इनकी बात सही है 100% सही है, आप अभी देखेंगे महसूस करेंगे कैसे जब आप बनाएंगे, देखो नो इट कैन नॉट, क्या कह रहा है इफ यू पुश द ब्रेथ नाउ डज द शेप चेंज, अब कह रहे हैं भाई साहब आप क्या करिए इस ब्रेथ को, ब्रेथ क्या है ये है ना, ये क्या है ये लेंथ है ये ब्रेथ है, अब क्या करिए इस ब्रेथ को आप क्या करिए धक्का दीजिए, इधर से धक्का दीजिए या फिर आप इधर से धक्का दीजिए, क्या होगा ये शेप को चेंज नहीं करेगा, इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो ये अपने शेप को चेंज ना ही करेगा, ना मुन्ना ना कहेगा, ना मुन्ना ना, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, तो ये क्या करेगा चेंज नहीं करेगा, स्टिक की बात की है तो स्टिक से आप लगा के करके देख लेना, ठीक है स्टिक से लगा कर देना, नहीं होगा तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है इंट्रोड्यूस ऑफ द फिफ्थ स्टिक हैज फिक्स द रेक्टेंगल यूनिकली, अब कह रहा है जो रेक्टेंगल भाई साहब पहले बन रहे थे और अपने आप को इधर उधर मडरा कह रहे इधर उधर डुला रहे थे, डुलाने का मतलब क्या कभी ये पैरेललोग्राम इस तरीके से बन जाए, इधर ठुमक के इधर ऐसे बन जाएंगे, इधर ठुमक के ऐसे बन जाएंगे पैरेललोग्राम, हाँ कि ना, तो अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं ना, नॉटी टाइप है ना, तो इस तरीके से बन गया, बट क्या होगा जब जब मैंने बीडी इंट्रोड्यूस करा दिया तो ये क्या होने लगे यूनिकली बनने लगे, हाँ कि ना संगा, तो 5 मेजरमेंट हमें जैसे मिल गया तो ये यूनिक बन गए भाई साहब, अब कह रहा है अडिक बन गए, कह रहा नहीं अब हम नहीं होंगे तो नहीं चेंज होंगे, तो पांचवा जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस करवाया ये यूनिक बन गया, अब चाहे इसको इधर से धक्का दो या चाहे इधर से धक्का दो ये ऐसा ही बना रहेगा, तो समझ में आया कि नहीं कि यूनिकली कैसे बनता है, आया कि नहीं, नहीं आया समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 बस आपको याद रखना कि 5 मेजरमेंट चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिक बनाने के लिए, ठीक किसी 5 मेजरमेंट चाहिए प्यारे बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिक बनाने के लिए, और ट्रायंगल के लिए सिर्फ 3 मेजरमेंट चाहिए, तो अब हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल को यूनिक कैसे बनाते हैं, ठीक है कैसे बनाते हैं 5 मेजरमेंट हमको दी होनी चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूं अच्छे से, अब क्या करता हूं सबको रब कर दे रहा हूं, रब करूं चलो इतना समझ में आ गया ना आपको, इतना समझ में आ गया, अब इतना समझ में आ गया यूनिकली का मतलब समझ में आ गया, तो भाई साहब आपको बहुत सारी चीजें अब अच्छे से समझ में आने वाली हैं, ठीक है अब आने वाली हैं, ध्यान से देखो इसमें एक दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अर्शद, देखो अर्शद हैज गिव, देखो हर्षद हैज हैव, देखो हर्षद हैज 5 मेजरमेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, दीज आर ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल्स टू 50 डिग्री, ए सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, कैन ही कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटर
गिव रीजन फॉर योर आंसर। बहुत क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना ना, अगर आप इसको नहीं सॉल्व करोगे ना तो आगे जो पढ़ोगे उसको तो आप समझ तो जाओगे बट उसकी फील नहीं ले पाओगे। ऐसा ये क्यों, ये क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देता है, एक आइडिया देता है, एक दिमाग को खोलने वाली चीज यहां पर देता है। ये जो आंसर इसमें यहां पर पूछ रहा है क्या, कैन ही कंस्ट्रक्ट अ यूनिक्वाड्रिलेटरल, यूनिक क्वाड्रिलेटर बना सकता है क्या? अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि अगर भाई साहब आपके पास पांच मेजरमेंट अगर दी रहेगी तो आप एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो भाई साहब। बट इस क्वेश्चन ने बहुत ही बेहतरीन चीज पूछ ली, क्या कहा इस क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है हमें, दिया है कोई ए बी है, ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए क्या है हमारे पास 50 डिग्री, फिर क्या है एसी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बीडी क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एडी क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि आप 1 2 3 4 5 इन पांच मेजरमेंट से आप क्या कोई यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, हाँ कि ना बना सकते हो। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, आप में से कई 100% बच्चे या 99% बच्चे क्या कह देंगे, यस, बिना इसे सॉल्व किए क्या कह देंगे, यस, और आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों, वो अभी बताते हैं आपको। देखो प्यारे बच्चों, इसको मैं अच्छे से आपको सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर अगली वीडियो में मैं अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा क्यों ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, थिंक और डिस्कस वाला मैं अच्छे से इसे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। इसको मैं इसे स्किप करता हूं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे अभी बताऊंगा तो इस तरीके से मैं अगर बना के बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं कॉपी पे बना के बताऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक, तो देखो, अब देखो ऐसा क्यों, देखो प्यारे बच्चों, हमको ये तो फिक्स है, ये तो अपने दिमाग में रखो कि पांच मेजरमेंट अगर हमें दिए रहेंगे और कंडीशन लगी होगी उसमें, पांच मेजरमेंट अगर दिए रहेंगे तो हम लोग यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि बना ही डालें बट बना सकते हैं यूनिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसकी कंडीशन दी गई है हमें, किस तरीके से आप पांच मेजरमेंट से क्या कर सकते हो, यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। देखो हमें दिया गया है, इसी के नीचे देखो दिया गया है, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है आप कंस्ट्रक्ट बना कैसे कर सकते हो किसी क्वाड्रिलेटरल को। वी शैल लर्न नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट, कह रहा है आपको तो पता ही है, अब इसमें मैं कुछ जोड़ूंगा, कह रहा आपको तो पता ही है कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकते हैं विद फाइव मेजरमेंट, पांच मेजरमेंट से, बट ये पांच मेजरमेंट आपको कौन कौन से पांच मेजरमेंट दिए होने चाहिए, यहां पे ये कह रहा है कि आपको कौन कौन से पांच मेजरमेंट देने चाहिए जिनसे आप यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। यहां पे हम लोग सीखेंगे अब कौन कौन से मेजरमेंट हमको देने चाहिए, पांच मेजरमेंट बोला है ना, पांच मेजरमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, 3 एंगल दे दे, 2 साइड दे दो, क्या बना लोगे। तो इस तरीके से ही मैं बताने वाला हूं यहां पे कौन कौन से अगर दिए रहेंगे मेजरमेंट जिससे आप बना सकते हो, इनके कहने का मतलब ये। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, हमको दिए हैं क्या, हम लोग किसके किससे से बना सकते हैं, देखो ध्यान से, हमें कहा गया है व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल, व्हेन 4 साइड, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल दिया हो आपको, दूसरा व्हेन 2 डायगोनल आपको दिया हो, 2 डायगोनल एंड 3 साइड एंड 3 साइड आपको दिया हो गिवन, ठीक है, यहां पे लिख दो गिवन, ठीक है, अब मैं गिवन नहीं लिखूंगा। फिर कह रहा है व्हेन 2 adjacent
adjacent side. अब साइड का मतलब क्या होता है, adjacent side का मतलब, साइड का मतलब होता है कोई भी दो साइड. ये मान लेते हैं कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी सी डी, सी डी साइड का मतलब क्या होता है, ए बी भी हो सकता है एक, और बी बी सी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ए डी भी हो सकता है. ठीक, तो ये साइड है. बट अगर एडजेसेंट बोला है तो मतलब क्या है, उसी के अगल बगल वाला, उसी के अगल और बगल वाला अगर मुझे दिया है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब उसे एडजेसेंट साइड कहेंगे. जैसे कि ए का एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी का एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है ए डी या फिर बी सी, ये है adjacent. इसी के साथ जो जुड़ा होता है उसे adjacent side कहते हैं. तो AB का adjacent क्या है, AD, और ये है, आहा, अरे भाई साहब स्टॉप हो जाओ तुम, अरे स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो गया. तो ये AB कह रहे हैं AD और BC है भाई साहब क्या, adjacent है. ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, adjacent क्या, अगल बगल जो बैठे होंगे उन्हें adjacent कहेंगे. तो इसी तरीके से AB का adjacent क्या है, AD और BC है. तो adjacent अगर साइड दिए होंगे तब, और साथ साथ क्या है, टू adjacent sides एंड थ्री एंगल, और क्या दिया हो इसके साथ, एंड थ्री एंगल्स हमको अगर दिए रहेंगे तब हम लोग यूनिकली बना सकते हैं गिवन. और ये चौथा जो बोल रहे हैं, चौथा कह रहे हैं कि अगर आपको तीन साइड, वेन थ्री साइड एंड टू इंक्लाइंड, इंक्लूडेड एंगल्स दिए हो, मतलब क्या हो गया, यहां पे आपको तीन साइड दिया रहेगा और इन्हीं सब के साथ साथ आपको तीन इंक्लूडेड एंगल दिए रहेंगे. अब वो समझ में आएगा आपको इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, तो वो सब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो यहां पे हमको जो दिया रहेगा तीन इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसको मैं अच्छे समझाता हूं. जैसे कि आप अगर खोलना चाहें डायरेक्ट, अगर समझना चाहें इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है, तो अगर आप पेज नंबर 65 खोल लो तो उसमें एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 4 में दिया है कि अगर ए बी आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं अगर आपको ए बी दी गई है, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको ए बी 4 सेंटीमीटर दी गई है, बी सी आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, सी डी 6.5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल बी 105 दिया गया है, एंगल सी आपको 80 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लेते यूं करके हमारे पास ए बी सी और डी दिया गया है. अब इसमें हमें हमारे पास रफ फिगर बहुत जरूरी है बनाना. देखो ए बी हमें दिया गया है क्या, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, साथ ही साथ बीसी हमें दिया गया है प्यारे बच्चों क्या, 5 सेंटीमीटर, और हमें दिया गया है क्या, सीडी हमें दिया गया है कितना, 6.5 सेंटीमीटर. साथ ही साथ बोल दिया है एंगल बी जो है, एंगल बी क्या है, 105 डिग्री दिया गया है, और हमें दिया गया है 80 डिग्री, और हमें दिया है 80, सी क्या है दिया गया है 80 डिग्री, हाँ कि ना. इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हुआ है पहले बच्चों, ध्यान समझो, इंक्लूडेड एंगल का मतलब हुआ है ये जो तीन साइड दी गई है ना, इन्हीं तीन साइड देखो, ये साइड दी गई थी और ये साइड, इन्हीं तीन साइड में हमें क्या मिलेगा, इन्हीं तीन साइड में बना होगा क्या, 80 डिग्री भी और 105 डिग्री. और यहां पे तीन एंगल क्या होगा, तीन एंगल कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडेड मतलब इन्हीं साइड में तीन एंगल लगे होंगे. अब समझ में आ रहा होगा कि ये चार कंडीशन है. इसी के साथ साथ एक और यहां पे दिया रहता है कंडीशन, वो क्या रहती है, वो रहती है प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, वो रहती है यहां पे दी गया है, When other special properties are known, अगर हमें इसके अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज और पता चल जाएं, तो हम लोग क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं. अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज का मतलब समझ रहे हो, कि हम लोग अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज उसको भी समझेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बस 5 अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज. मतलब अगर हमें इससे अगर कम भी दिया रहेगा, अदर स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब अगर कह रहा है अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के हमारे पास दिमाग हमें होना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं. प्रॉपर्टी अगर नहीं आती आपको तो उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है. अब जरूरी हो जाता है इस पॉइंट के लिए जब आप क्या बना रहे होगे, व्हेन
अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। तो इसके लिए आपको ये जब ड्रॉ करोगे, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसको पढ़े आप प्रॉपर्टीज को नहीं समझ सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस किस के लिए होता है। स्क्वायर, रॉम्बस, रेक्टेंगल, पैरेलोग्राम, ठीक है, काइट, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और ये सब क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो ये चार चीजें, ये इसको ही मिला लो पांच, ये पांच पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो ये चैप्टर क्या होगा, यूं सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमको क्या चाहिए, चार साइड एक डायगनल, दो डायगनल तीन साइड, दो एडजेसेंट तो तीन एंगल, तीन साइड और टू इंक्लाइन एंगल चाहिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये ज्यादा हो गया है, इतना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपको बताने के लिए। बट अगली वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें दी रहती है। मैप बताऊंगा कि इसको कैसे याद रख सकते हैं, छोटे से तरीके से मैप बताऊंगा जिससे आप अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं इतनी चीजें छोटी छोटी आपको समझ में आई होगी कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल यूनिक चार साइड से क्यों नहीं होता, पांच साइड से क्यों बन जाता है। समझ में आया कि नहीं, चार साइड से डिफरेंट फिगर बन रहे थे, पांचवा जब ऐड कर दिया तो वो स्थिर हो गया, वैसे ही रहेगा, अब चाहे इधर से धक्का दो चाहे इधर से, वो हिले डुलेगा नहीं, वो अलग न्यू फिगर नहीं बनाएगा। तो यूनिक क्वाड्रिलेटरल बता दिया हमने, और फिर बताया कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल पांच पांच मेजरमेंट से किस किस कौन कौन से कंडीशन पे बन सकते हैं, बताया चार साइड एक डायगनल, दो डायगनल तीन साइड, दो एडजेसेंट तीन एंगल तीन साइड और दो इंक्लाइन और अदर स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा। तो अब ये अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाएगा कि सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करना है आपको, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।